18 सितंबर को जल जंगल और जमीन पूरे अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। समस्त आदिवासी संगठन एकत्रित होकर इस आयोजन को करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस जगह राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को बंदी बनाकर रखा गया था, वहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया। आदिवासियों और गोंडवाना संस्कृति को बचाने के संबंध में आंदोलन की रणनीति इस संबंध में बनाई गई और 18 सितंबर को होने वाले आयोजन के संबंध में चर्चा हुई। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उपस्थित होंगे और एक और समस्त आदिवासी एवं गोंडवाना समाज 18 सितंबर को आयोजन की तैयारी कर रहा है। वहीं शासन स्तर पर गृह मंत्री के आगमन को देखते हुए कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 18 सितंबर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संपूर्ण आदिवासी संगठन के लोग हमारे वीर बलिदानी रघुनाथ शाह शंकर शाह जी का बलिदान दिवस बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ पर जहाँ पर उन्हें कैद किया गया था बंदीगृह में, यहाँ पर बैठ के सारे लोगों ने अपनी बात रखी और इस कार्यक्रम को कैसे सफल किया जाए और उन्होंने समाज में क्या संदेश देने की कोशिश की थी, क्या संदेश दिया था, उसको हम जनमानस में अपनी नई पीढ़ी को कैसे समझाएं, इस तमाम बातों पे हम लोगों ने चर्चा की। वैसे तो कार्यक्रम हर साल ही होता है, पर माननीय दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम की सहमति मिली है तो वो भी कार्यक्रम में आएंगे और बाकी लोगों का भी पता चला है कि वो लोग भी आएंगे। अब ये तो मंच सभी का है, सब लोग माला पहनाने आते हैं, पर ये समय हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारी आदिवासी भूमि, जल जंगल जमीन जो खतरे में है, तो पूरा समूचा हिंदुस्तान का आदिवासी संगठन इस बात को लेके बहुत चिंतित है कि इस जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाए। और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हम आगाज करेंगे, शंखनाद करेंगे कि यहाँ से जो फिजा बने तो आदिवासी समाज की संस्कृति, आदिवासी समाज की पीढ़ी और आदिवासी समाज बचे और उसकी विरासत बचे, जो आज दूसरे लोग उसको हड़पने में लगे हैं और आए दिन अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी में जो आता है वो बहुत ही अशोभनीय, बहुत ही निंदनीय होता है, जिसमें सरकार का कोई कदम ईमानदारी से नहीं होता, उसके खिलाफ हमारा आने वाले समय में शंखनाद होगा। जय हिंद। पूजे ना गए शहीद तो ये कौन पथ अपनाएगा, तोप के मुंह पर अकड़ कर सीना कौन अड़ाएगा। एक ऐसे बलिदानी की गाथा को फिर से एक माला के रूप में पुरोने के लिए 18 सितंबर 2021 को बलिदान दिवस पूरा आदिवासी एक साथ मिलकर मनाने जा रहा है। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान समूचे देश के लिए हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी, पूरे देश की क्रांति थी, और मध्य भारत से जो क्रांति आदिवासियों ने जगाई वो पूरे देश में शंखनाद हुई, जिससे आज़ादी की लड़ाई पर हम लोगों ने सफलता प्राप्त की और आज स्वतंत्र भारत में खड़े होकर हम जो बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी नेताओं का शिरकत है, जिसमें हमें कल आदिवासियों को एक स्वीकृति मिली, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जी स्वीकृति मिली है, वे भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हम आदिवासी और हमारे जितने भी बलिदानी हैं उनने प्रकृति के लिए ही बलिदान दिया है। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, महान योद्धा बिरसा मुंडा, महान योद्धा टंटिया भील, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने पर्यावरण और पानी के लिए ही और पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए ही बलिदान दिया। इसलिए हम लोग सब एक साथ मिलकर आने वाले कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी हमारे साथ में कार्यक्रम को सुचारू रूप देने के लिए बैठ रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश से आदिवासी आएँ और बलिदान दिवस को भव्य रूप दें। मैं किशोरीलाल भलावी, गढ़ा गुणवारा संरक्षण संघ, संभागीय अध्यक्ष। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।